तो ये है वीवो जीओन प्रो। इस फोन से मुझे जो भी प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ वो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये फोन लिया था मैं लगभग 25 दिन पहले, और इस वीडियो में इस फोन के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा, चाहे आप बात करें फोन की कैमरा की, बैटरी की, या फिर परफॉर्मेंस की और डिजाइन की। साथ साथ ये भी बताऊंगा क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस फोन का जो फेस अनलॉक है और फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही फास्ट है कम्पेयर टू दिस प्राइजेंस अदर्स कंपनी फोन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को ट्राई करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना फेस फोन की तरफ घुमा रहा हूँ वैसे फोन अनलॉक हो रहा है, मतलब फोन अनलॉक होने में एक सेकंड भी टाइम नहीं ले रहा। तो क्या जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब एक सेकंड भी टाइम नहीं लेता है अनलॉक होने में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो दिन में काम कर रहा है अच्छा खासा, लेकिन रात को कैसे काम करेगा? तो भाई ये फोन रात में भी बहुत ही जबरदस्त काम करती है। मैंने खुद यूज किया हूँ और 25 दिन से यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है। और इसका बैक साइड का फिंगरप्रिंट स्कैनर भाई ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मतलब की रेडमी नोट 7 प्रो से भी ज्यादा फास्ट है। मैं दोनों फोन को कंपेयर करके देखा हूँ और कंपेयर वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं टच कर रहा हूँ और ये देखिए अनलॉक भी हो रहा है। तो चलिए इस फोन का रियर और फ्रंट कैमरा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी रियर कैमरा से शूट हो रहा है और मैं अभी चल रहा हूँ, चलते चलते वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और इसका कितना वॉइस कैच कर रहा है और कितना नॉइस कैच कर रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, और इसकी क्वालिटी भी पता चल जाएगा, और इसका जो कैमरा में स्टेबिलिटी है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कुछ दिन तक यूज़ किया था तो इसका कैमरा जो भी स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एंड ये अभी फिर से मैं पीछे जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरा कैमरा रखा हुआ है और मैं फिर से आया। तो इसका जो रियर कैमरा स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये अभी शूट हो रहा है 1080 30 fps पर। मैं आपको अभी फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ। एंड गाइस, ये जो फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का पंच होल फ्रंट कैमरा, तो इसमें कोई भी आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और इसका साउंड कैसा रिकॉर्डिंग कर रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं, और इसमें कोई आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैमरा शेक हो रहा है, मतलब वीडियो शेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है और 80W का क्विक फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और ये फोन लगभग 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है फुल चार्ज होने में। तो देखिए, 1.5 घंटे में चार्ज कीजिए और 2 दिन तक यूज कीजिए, कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ। तो फिलहाल देखिए, फोन में मेरा 67% चार्ज है और इसको मैं चार्ज किया था सुबह में और अभी तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बैटरी का परफॉर्मेंस, यहाँ पर लिखा है नीचे की तरफ देख सकते हैं, बैटरी एक बार फुल हो जाने के बाद लगभग 8 घंटे तक मैंने यूज किया हूँ और अभी मेरा चार्ज है 67%। तो 8 घंटे में मेरा इस फोन का चार्ज खत्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ 30%। और ऐसे नहीं है कि फोन चार्ज हो जाने के बाद मैं फोन को यूज नहीं किया, एक जगह रख दिया, मैं फोन को लगभग 6 से 7 घंटे तक यूज किया हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ इस फोन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप इस फोन की डिजाइन देखिए, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर बैक साइड में ग्लास का बैक ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश होने के कारण फोन बहुत ज्यादा चमकता है। साथ साथ आपको देखने को मिल जाते हैं ट्रिपल रियर कैमरा जो कि है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल्स के लिए है, और है 2 मेगापिक्सल जो कि डेप्थ सेंस के लिए है। साथ साथ देखने को मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पर आपको बैक साइड में कोई भी प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर कुछ भी देखने को नहीं मिलते हैं। और इसका फ्रंट में भी आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर गोरिल्ला ग्लास 6 कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पर थोड़ा 20-30 रुपये और ले लेता तो यहाँ पर कंपनी को गोरिल्ला ग्लास 5 या गोरिल्ला ग्लास 6 देना था, लेकिन कुछ नहीं दिया। तो बस एक ही दिक्कत है इस फोन का कि इस फोन में कुछ भी गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर गोरिल्ला ग्लास 6 कुछ भी दिया नहीं कंपनी ने, तो यार देना चाहिए था, क्या हो गया। और इसका जो बैक साइड में आप देख सकते हैं इसका डिजाइन है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इसको स्क्रैच किया तो थोड़ा बहुत दाग भी पड़ गया, तो ये बहुत जल्द दाग भी पड़ जाता है क्योंकि कार्बन ग्लास का बैक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ग्लास व्लास कुछ नहीं दिया है, जैसे कि रेडमी नोट 7 प्रो में आपको दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, तो वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़ते नहीं। और यहाँ पर सामने की तरफ देखिए तो मैं टेबल में ऐसे ही रखा हुआ था और ऐसे ही दाग पड़ गया, आप देख लीजिए, ये देखिए थोड़ा स्क्रैच पड़ गया। तो भाई यार, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया, आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी एक लाइक कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीवो जीओन प्रो और रेडमी नोट 7 प्रो का कंपैरिजन वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, तो मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।